गुड मॉर्निंग टू ऑल आवाज आ रही है क्लास शुरू करें सबसे पहले आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप सबने पिछले दो क्लास आज हम कर रहे हैं टैक्स रेट क्लास नंबर दो ठीक है सबसे पहले पिछले दो क्लास बेसिक कंसेप्ट और टैक्स रेट की पहली क्लास ये आपने याद कर रखा है याद है आपको आजमा लिया जाए है ना आप आंसर टाइप करेंगे हम चल रहे थे इस जगह पर हमने क्या क्या पढ़ लिया टैक्स रेट में हमने पढ़ लिया इंडिविजुअल और एच यू एफ इनकी नॉर्मल इनकम पर टैक्स नॉर्मल इनकम पर फ्लैब रेट से टैक्स अप्लीकेबल होता है इसके बाद हम स्पेशल इनकम पर आ गए थे सर चार्ज वगैरह अभी कुछ नहीं पढ़ा हमने स्पेशल इनकम पर आ गए थे जिसमें हमने पहली स्पेशल इनकम ली थी डब्लू मैंने इसका कोड दे दिया था डब्लू दूसरी स्पेशल इनकम है ब्लैक मनी और तीसरे में बहुत सारे स्पेशल इनकम हमें एक साथ कवर कर रहे थे जहां पर आपको सिर्फ मैंने दो स्पेशल इनकम बताई 111 ए और 112 ए ये दो बताया था वो भी अभी अधूरा है इसमें कुछ पॉइंट्स और मुझे बताने हैं आगे बताऊं उससे पहले मैं देखना चाहता हूं कि आपने पढ़ाई रिवीजन याद सब किया कि नहीं पहला क्वेश्चन देखिए और मुझे आंसर करके दीजिए आंसर मुझे चाहिए उससे पहले आपको छोटी सी बात बता देता हूं टेम्प्रेरी बेसिस पर इसे कहीं नोट डाउन करना चाहें तो कर लें कहीं नोट डाउन करना चाहे तो कर ले नहीं करना चाहे चलेगा टेम्परे बेसिस पर आपको बताना चाहूंगा फिर बाद में डिटेल में बताएंगे डिटेल में डिस्कशन होगा सरचार्ज मतलब है एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन सरचार्ज मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन बेसिक टैक्स के ऊपर बेसिक टैक्स के ऊपर बेसिक टैक्स किसे कहते हैं बेसिक टैक्स का मतलब होता है जो आपने मुझसे नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स सीखा कह सकते हैं हम इंडिविजुअल की अगर बात कर रहे हैं तो स्लैब और जो स्पेशल इनकम पर आप टैक्स सीख रहे हो फिक्स्ड रेट से इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो इसे हम बेसिक टैक्स कहते हैं इसे हम बेसिक टैक्स कहते हैं एंड दैट इज नॉट फाइनल टैक्स ये सिर्फ बेसिक है यह फाइनल नहीं है इसमें हम सरचार्ज ऐड कर देते हैं सरचार्ज होता है बेसिक टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन बेसिक टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होता है सरचार्ज हम इस पर सरचार्ज ऐड कर देते हैं लेकिन सरचार्ज कब ऐड होता है सुनिएगा अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम पचास लाख रुपए से ज्यादा है ध्यान रखिएगा आपको देखना है टीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं देखनी टोटल टैक्सेबल इनकम देखना है अगर वो पचास लाख से ज्यादा है तो टेन परसेंट सर चार्ज है आप सभी जानते हैं फिर भी मुझे तो बेसिक से डिस्कस करना है अगर टीटीआई टी, -टी एक करोड़ एक करोड़ है तो दस परसेंट ही सरचार्ज होगा एक करोड़ से ज्यादा होने पर पंद्रह परसेंट सरचार्ज है अगर टीटीआई दो करोड़ से ज्यादा है टीटीआई दो करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज ट्वेंटी फाइव परसेंट लगेगा सरचार्ज कोई स्लैब नहीं है कि आप ऐसा करो कि पचास लाख तक दस परसेंट लगाना एक करोड़ उसके ऊपर जो एक करोड़ है उस पर पंद्रह लगाना फिर उसके ऊपर पच्चीस लगाना ऐसा नहीं है अगर टीटीआई दो करोड़ के ऊपर चला गया तो सरचार्ज पच्चीस ही लगेगा बेसिक टैक्स जो भी है आपके पास उसके ऊपर सीधा पच्चीस परसेंट सरचार्ज अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम एक करोड़ बीस लाख है तो हम दूसरे नंबर पर आ गए इस पादान पर आ गए एक करोड़ बीस लाख है तो अगर एक करोड़ बीस लाख है सरचार्ज तो टोटल टैक्सेबल इनकम तो हम इस इस कैटेगरी में आ गए अब जो भी हमारा बेसिक टैक्स होगा जो भी उसके ऊपर हमें करना है 15%. अगर आपकी टीटीआई अगर आपकी टीटीआई पांच करोड़ के ऊपर चली गई तो सरचार्ज का रेट हो जाएगा थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज का रेट है आप लिख भी सकते हैं ये टेम्पररी बेसिस पर बता रहा हूं बुक में सब कुछ है और टाइम आने पर इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में करेंगे इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट भी हमें करना है फाइनल लेवल पे इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए तो ये सफिशियंट है ये सरचार्ज लेकिन फाइनल लेवल पर सरचार्ज में हमें कंसेशन भी समझना है कि सरकार कुछ जगहों पर कंसेशन भी देती है सरचार्ज में वो हमें समझना पड़ेगा फिलहाल तो ये हमारा सरचार्ज हो गया जी अच्छा सरचार्ज हम ऐड कर देंगे बेसिक टैक्स में सरचार्ज हम ऐड कर देंगे तो जो कहलाएगा वो होगा बेसिक टैक्स अलोंग विद सरचार्ज बताइए क्या सरचार्ज हमेशा अप्लीकेबल होगा नहीं सरचार्ज की अप्लीकेबिलिटी कब से आएगी सरचार्ज क्या हमेशा अप्लीकेबल होगा नहीं तो बताइए सरचार्ज की अप्लीकेबिलिटी कब से आएगी पचास लाख से ऊपर अगर आपकी टीटीआई है तभी सरचार्ज अपलीकेबल होगा पचास लाख रुपए तक अगर टी है तो सरचार्ज का कोई नामो निशान नहीं लेना ठीक है सरचार्ज ऐड करने के बाद अब हमें फाइनली ऐड करना पड़ता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो होता है चार परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तभी ऐड होगा जब सरचार्ज अप्लाई होगा नहीं ये हमेशा होगा नहीं ये हमेशा होगा इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 40 लाख है तो बेसिक टैक्स में सरचार्ज तो नहीं जुड़ेगा लेकिन हेल्थ एजुकेशन सेस जुड़ेगा ही जुड़ेगा वो चार परसेंट हमेशा जुड़ेगा हेल्थ एजुकेशन सेस ठीक है जी सरचार्ज आप किसके ऊपर कैलकुलेट करते हो इसके ऊपर सरचार्ज आप अप्लाई करते हो बेसिक टैक्स पर लेकिन हेल्थ एजुकेशन से फोर परसेंट जो आप अप्लाई करोगे वो आप इस पर अप्लाई करोगे लेकिन अगर सर सरचार्ज है ही नहीं तो फिर बेसिक टैक्स पे करना और अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज प्लस बेसिक टैक्स को मिलाकर करना ये टेंरी आपको समझा रहा हूं कुछ क्वेश्चन करने के लिए फिर हम डिटेल में उसको करेंगे जहां जहां मेंशन होगा वो सारी चीजें हम समझेंगे आप नोट करना चाहो करो नहीं करना चाहो नहीं करो दोनों केस में चलेगा यहां तक आपको समझ आ गया हो यहां तक आपको समझ आ गया है रिप्लाई हमने डिस्कस किया था ना थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई कर देना है अब है कि कहाँ चले गए रिप्लाई करें रिप्लाई हो रहा है शायद मैं ही नहीं देख रहा हूँ सॉरी मैं नहीं देख रहा हूँ रिप्लाई हो अब ठीक है अब मुझे देख, दिख रहा है चलिए अगर आप समझ गए तो मुझे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं और स्क्रीन पर दिखा रहा हूं तो आपके पास भी नोट्स होंगे जरूर लेकिन आप उसे मत देखिए यहां पर स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है रमेश नॉन रेजिडेंट है पैंसठ साल का रमेश नॉन रेजिडेंट है सिक्सटी फाइव ईयर ओल्ड और उसकी टोटल इनकम है आठ लाख नब्बे हजार जब अभी स्पेशल इनकम की चर्चा नहीं है जब स्पेशल इनकम को हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी स्पेशल इनकम क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम मानेंगे कि हमारे पास हम मानेंगे कि हमारे पास स्पेशल इनकम नहीं है ये सब की सब नॉर्मल इनकम है तो जरा जल्दी करेंगे नॉर्मल इनकम ही मानकर चलना है हमें से. आठ लाख नब्बे हजार नॉर्मल इनकम है कितना टैक्स बनेगा फाइनल टैक्स निकालिएगा आप निकाल रहे हैं या मैं निकालू मैं निकालूंगा तो मैं एग्जाम पास करूंगा आप निकालेंगे तो आप एग्जाम पास करेंगे और ऐसा कभी मत समझिएगा कि ये हमारे लेवल का नहीं है ये फाइनल में ये बेकार सा क्वेश्चन दे रहे हैं सर कुछ हैवी क्वेश्चन दीजिए ऐसा नहीं समझिएगा अच्छा बेटा आप ऐसा तो नहीं कर रहे आंसर आ भी गया ऐसा तो नहीं कर कि आप आप नोट्स से आंसर देख कर नहीं ना भरोसा है थोड़ा हाँ भरोसा तोड़िएगा नहीं वैसे तो स्टूडेंट पे भरोसा नहीं करना चाहिए टीचर को टीचर हमेशा डाउटफुल डाउटफुल वे में होना चाहिए हमेशा स्टूडेंट के लिए रिजल्ट के बाद ही भरोसा है हमेशा ऐसा ही होता है कि हमें लगता है कि बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा और इसी वजह से हम और अच्छा करके देते हैं बच्चों को तो उम्मीद है अपने नहीं कहीं कुछ देखा होगा और आप जो आंसर दे रहे हो बिल्कुल सही आंसर है नाइनटी फोर वन ट्वेंटी कैसे किया हमने बताइए हमने पहले ढाई लाख तक निकाल लिया जीरो पहले हम हम डिसाइड कर लें कि इसकी एमएल e. कितनी होगी एम ई e. एल से हमने वाकिफ अपने आप को कर लिया था एम ई एल का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन शॉर्ट मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट ये स्लैब में उपयोग होता है ये स्लैब में उपयोग होता है स्लैब रेट ये, ये नॉर्मल इनकम पर यूज करते हैं नॉर्मल इनकम पर यूज करते हैं एमियल। तो एमियल इसकी कितनी होनी चाहिए ढाई लाख होनी चाहिए बताइए क्यों ये तो बहुत उम्र दराज है तो साठ साल उससे ऊपर है हाँ लेकिन ये नॉन रेजिडेंट है तो इसकी एम हो गई ढाई लाख तो ढाई लाख तक जीरो कर दिया हमने अच्छा ढाई लाख से ऊपर देखिए एक ही बच्चे ने आंसर किया बाकी सबको भी कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ सर ये सब हम समझते हैं ढाई लाख से पांच लाख तक हम कितना टैक्स ले रहे हैं पांच परसेंट टैक्स ले रहे हैं बारह हजार पांच सौ पांच लाख से दस लाख का टैक्स है ट्वेंटी परसेंट लेकिन हमारी इनकम कितनी है आठ लाख नब्बे हजार तो आठ लाख नब्बे हजार पर हमने टैक्स लगा दिया बीस परसेंट बताइए कितनी इनकम है तीन लाख नब्बे हजार तीन लाख नब्बे हजार का बीस परसेंट निकाला सेवेंटी एट थाउजेंड सेवेंटी एट थाउजेंड ये हमारा बेसिक टैक्स आ गया सेवेंटी एट थाउजेंड प्लस बारह हजार पाँच सौ यह हमारा बेसिक टैक्स आ गया नब्बे हजार पाँच सौ सर अप्लीकेबल होगा कि नहीं सर अभी कहाँ सरचार्ज चार्ज तो पचास लाख के ऊपर जाने पर अप्लाई होता है सरचार्ज तो पचास लाख के ऊपर जाने पर अप्लाई होता है इसका मतलब सरचार्ज नहीं अप्लाई हो रहा है वेरी गुड अब बताइए हेल्थ एजुकेशन सेस लेंगे नहीं लेंगे हाँ सर वो तो लेना पड़ेगा आपको तो हेल्थ एजुकेशन सेस कितना हो गया थ्री सिक्स टू जीरो टोटल करके कितना हो जाएगा नाइन फोर वन टू जीरो चलिए आप सबसे देखिए सबको रिप्लाई करना इसलिए पड़ेगा या फिर मैं मानूंगा जिसने रिप्लाई नहीं किया उसका मतलब सब ठीक है मैं आगे बढ़ सकता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे ये आपके बुक में है नेक्स्ट क्वेश्चन सर बार बार आपने नीचे क्या मेंशन किया है मैंने मेंशन किया है 115 बीएससी को इग्नोर करो तो सर फिर इग्नोर ही करते रह जाएंगे हम सीखेंगे कब बिल्कुल सही है टैक्स रेट में हमें तीन क्लास लगाना है आज दूसरी क्लास है अगली क्लास में टैक्स रेट पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा जिसमें हम 115 सौ वगैरह भी समझ लेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन भी समझ लेंगे ठीक है ना तो 115 सौ भी आएगा उस समय इग्नोर नहीं करना अभी इग्नोर करना है हमें बताइए गिरीश पैंतालीस साल का रेजिडेंट है सबसे पहले आप मुझे स्लैब रेट अप्लाई करते समय एमएल बताएं एम बताएं एम एम कितना होगा ढाई लाख गुड मतलब आपके तरफ से बोल दिया ढाई लाख होगा ठीक है इनकम कितनी है अठारह लाख नब्बे हजार सबकी सब, सब नॉर्मल इनकम है सर हां जी सर आपको कैसे पता अरे जब स्पेशल इनकम के बारे में जानकारी होगी कि उसने लॉटरी से कमाया ब्लैक मनी है उसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तभी हम मानेंगे स्पेशल अदरवाइज तो नॉर्मल मानेंगे चलिए अठारह लाख नब्बे हजार है इस पर हम टैक्स कैसे निकालेंगे अप टू ढाई लाख जीरो ढाई लाख से पांच लाख पांच परसेंट टैक्स बनेगा बारह हजार पांच सौ कहीं भी दिक्कत आए देखिए शुरुआत है ये मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत आएगी लेकिन दिक्कत आने पर शर्माना नहीं है आपको मैं फिर बता रहा हूं लास्ट क्लास भी डिस्कस किया था हमेशा ध्यान रखना कि आप किसी इवेंट में किसी पार्टी में नहीं आए हैं तो इवेंट और पार्टी वगैरह का काम मत कीजिएगा ऐसा करना है कि आप सीखने आए हैं आप जैसे गुरु और शिष्य की परंपरा चलती थी ना वैसे ही चलाना है फिर कुछ सीख कर जाओगे तो जब भी कभी लगे कि यार ये नहीं समझ आ रहा तो बताना है बिल्कुल संकोच नहीं करना है वैसे तो आंसर आने लग गया मजा आ गया देखकर आंसर वेरी गुड दोनों के सही आंसर है बस भरोसा नहीं तोड़ना है ना ऐसा नहीं कि आप देख के कर रहे हो ऐसा मत करना चलो तो पांच लाख से दस लाख फिर सीख नहीं पाओगे ना पांच लाख से दस लाख वैसे सही है पांच लाख से दस लाख कितना आ गया एक लाख रुपए टैक्स आ गया और दस लाख से ऊपर मुझे कहां तक जाना है अट्ठारह नब्बे तक तीस परसेंट का टैक्स लेना है इसका मतलब आठ लाख नब्बे हजार का सिक्स, सेवन, मुझे सभी प्रकार के स्टूडेंट को साथ लेकर चलना है तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आंसर मैं पीछे रह रहा हूँ या मैं पीछे रह रही हूँ कैसे होगा आप घबराइएगा नहीं आप बस एक बार ही रोक दीजिएगा कि सर एक मिनट तो मैं रुक जाऊंगा अच्छा फिलहाल तो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं क्योंकि आपके आंसर मुझसे पहले आ रहे हैं थ्री सेवनटी नाइन फाइव हंड्रेड क्या इस पर सरचार्ज ऐड होगा नहीं सर कैसी बात कर रहे हो सर चार्ज तो पचास लाख के ऊपर की बात करो अभी कहां सर चार्ज अच्छा तो फिर मैं हेल्थ एजुकेशन ऐड करके इसके आंसर को ले आता हूं थ्री नाइन फोर सिक्स एट जीरो इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन तीसरा क्वेश्चन मोहन मोहन पैंसठ साल का है और रेजिडेंट है नॉर्मल इनकम में हमें स्लैब लगाना है मुझे एम्यूएल बताइए मैक्सिमम एग्जम्पन लिमिट बताइए क्या इस बार रेजिडेंट है हाँ क्या इस बार उम्र साठ साल या उससे अधिक है हाँ तो एमएल तीन लाख रुपए ले लीजिएगा जल्दी बाजी मत कीजिएगा गलत हो जाएगा अच्छा इनकम सर इस बार बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा मतलब कितना करोड़ों में है नहीं नहीं सर बहुत ज्यादा मतलब सर चार्ज की अप्लीकेबिलिटी आ गई सर पचास लाख के ऊपर है तो इस बार सर चार्ज भी आएगा मजा आएगा क्वेश्चन करने में चलिए तो क्वेश्चन करते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन मैंने जो दे रखे है ना आपको लगभग बीस बाईस क्वेश्चन यहां दिखाऊंगा उसमें ही सारे टैक्स रेट के, के कंसेप्ट आ जाए सिंपल से टफ तक है तो चलिए हम करके देखें इस बार आपका e. एम्यूल ढाई तीन लाख है तो तीन लाख रुपए तक आपको जीरो लेना है तीन लाख से पांच लाख आप खुद करो अपना करो पांच लाख फाइव परसेंट इस बार दस हजार आएगा पांच लाख से दस लाख बीस परसेंट एक लाख और दस लाख से मुझे लेकर जाना है एटी सिक्स फिफ्टी तक ए परसेंट के रेट से तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल से फिफ्टी 58... एट फिफ्टी इसका थर्टी परसेंट ओहो कहाँ चला गया फिफ्टी एट फिफ्टी एट फिफ्टी इसका थर्टी परसेंट सत्रह पचपन और इसमें जोड़ दीजिए एक दस अठारह, अठारह पैंसठ

तो ये बनेगा टू जीरो फाइव वन फाइव डबल जीरो आंसर आ गया है और आपका आंसर बिल्कुल सही है अब हमें जोड़ना है हेल्थ एजुकेशन सेस याद रखिएगा हेल्थ एजुकेशन सेस ठीक अपने ऊपर पे कैलकुलेट होता है हेल्थ एजुकेशन सेस आप जब जहां निकाल रहे होते हैं उसके ठीक ऊपर की जो फिगर है उस पर आपको लगाना है हेल्थ एजुकेशन तो हेल्थ एजुकेशन अप्लाई होगा एट और ऐड करके आ जाएगा टू वन डबल थ्री फाइव सिक्स जीरो आपका आंसर ठीक है बहुत अच्छे वेरी गुड आगे बढ़ रहे हैं हम नंबर चार पर आ रहे हैं नंबर चार मोहन बाबू उम्र एटी फाइव ईयर और ये रेजिडेंट है सबसे पहले जब हम स्लैब लगाएंगे तो एम क्या होगा जब हम स्लैब लगाएंगे तो एम क्या होगा पांच लाख होगा सर इस बार इस बार एम एल e. पांच लाख होगा वेरी गुड और इनकम कितनी ले रहे हैं हम आठ लाख आठ लाख पचास हजार तो बताइए कितना टैक्स बनेगा सर पांच लाख तक तो जीरो हो जाएगा और पांच लाख के ऊपर साढ़े तीन लाख पर बीस परसेंट आ जाएगा सर सत्तर हजार सर चार्ज की मत सोचिएगा सर क्योंकि पचास लाख के ऊपर गया नहीं तो सिर्फ हेल्थ एजुकेशन से जोड़कर फटाफट से आंसर दे दीजिए बेहत्तर हजार आठ सौ फिर भी मुझसे पहले कर गए कमाल हो गया वेरी गुड बेहतर हजार आठ सौ इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पीयूष बाबू पचपन साल के रेजिडेंट सबसे पहले नॉर्मल इनकम अगर मुझे निकालनी है तो एमएल e. कितनी होगी ढाई लाख <coughs> नॉर्मल इनकम निकालनी है तो पीयूष बाबू की एमएल e. कितनी होगी ढाई लाख और सर इस बार तो गजब है सर दो तो करोड़ पचास लाख चालीस हजार बड़ा जबरदस्त बहुत कमा लिया है पीयूष बाबू ने अभी बताएंगे इनको सरचार्ज लगा के कोई बताए सरचार्ज का रेट क्या लगाएंगे पीयूष बाबू पर सरचार्ज का रेट दो करोड़ के ऊपर चला गया है लेकिन पांच करोड़ के ऊपर नहीं गया है तो सरचार्ज का रेट सरचार्ज का रेट इन पर क्या लगाना चाहिए हमें ट्वेंटी फाइव परसेंट लगाना चाहिए करेक्ट आंसर है चलिए तो लगा लोगों के निपटा देते हैं पीयूष बाबू को अप टू ढाई लाख नील ढाई लाख से पांच लाख बारह हजार पांच सौ पांच लाख से दस लाख एक लाख और दस लाख से दो करोड़ पचास लाख चालीस हजार दो करोड़ पचास लाख चालीस हजार माइनस दस इसके लाख इसके ऊपर थर्टी परसेंट बेहतर लाख बारह हजार सेवेंटी थ्री टू फोर फाइव डबल जीरो इस बार लगता है मैं पहले कर लूंगा इस बार देखते हैं एड सर ट्वेंटी फाइव परसेंट क्योंकि तो मैंने राइट right हैंड से कैलकुलेशन शुरू किया ना वैसे लेफ्ट हैंड से कर रहा था तो मैं भी आपसे पहले कर लूँ देख लेते हैं मैं लिख भी रहा हूँ आप भी लिख रहे हैं कि नहीं पता नहीं मैंने लो पहले दे दिया आंसर इसने आप आपको भी लिखना है ऐसे नहीं बदमाशी करनी है कॉपी और पेन बोला था यूज करने के लिए और क्वेश्चन नंबर फाइव लिखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कभी तो मैं जीतूंगा बताऊं क्यों क्योंकि आगे जब धीरे धीरे मुश्किल आएगा तो मेरा तो एक्सपर्टाइज रहेगा अच्छा चलो देखते हैं और चार परसेंट हम हेल्थ एजुकेशन सेसेस में जोड़ देंगे नाइन फाइव टू वन एट फाइव जीरो आ रहा है आपका बिल्कुल यही है मेरा भी आ रहा है तो इस आंसर को ही फाइनल आंसर समझा जाए आइए छठे क्वेश्चन पर आइए मैडम रूही पैंतीस साल की रेजिडेंट अच्छा जी तो फिर एक जमाना था जब इंसान इंसानों में दो कैटेगरी बनाई थी सरकार ने मेल फीमेल और उनके स्लैब रेट के जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है वो अलग था बहुत पहले की बात है बहुत ही पहले की बात है आप दसवीं कक्षा में रहे होंगे और भी शायद पहले की बात लेकिन आज की डेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता आज की डेट में तो उम्र देखनी है और रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है तो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट लेंगे तो ढाई लाख लेंगे अरे बाबा रे ये तो बहुत कमा लिया इन्होंने रूही देवी ने तो बहुत कमा लिया पांच करोड़ चालीस लाख साठ हजार चलिए देखें जरा मैडम की टैक्स लाइबिलिटी अप टू ढाई लाख जीरो क्योंकि ढाई लाख की लिमिट लगानी है हमें ढाई लाख से 5 पांच लाख फाइव परसेंट बारह पांच सौ पांच लाख से दस लाख एक लाख और दस लाख रुपए से पांच लाख चालीस पांच करोड़ चालीस लाख साठ हजार अट्टी परसेंट का रेट तो पांच करोड़ तीस लाख साठ हजार का थर्टी परसेंट एक करोड़ उनसठ लाख अठारह हजार प्लस एक बारह पाँच सौ वन करोड़ सिक्सटी लैख थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एड सरचार्ज इस बार थर्टी सेवन परसेंट सर चार्ज है फाइव नाइन थ्री वन टू एट फाइव एड टू वन नाइन सिक्स वन सेवन एड फोर परसेंट एंड फाइनल आंसर टू करोड़ ट्वेंटी एट 40,000 फोर्टी थाउजेंड टू फिफ्टी सिक्स चेक करिए जरूरी नहीं है कि मेरा सही आंसर हो आप खुद करिए सर करोड़ संभालना पड़ रहा है ना वो थोड़ा सा हाथ फिसल गया भाई जब मामला करोड़ों में चला गया तो फिर थोड़ा संभालने में लिखने में भी दिक्कत आ जाती है मैं समझ रहा हूँ चालीस हजार लिखना आसान है लेकिन पांच करोड़ की इनकम पर टैक्स निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है चलिए तो यही रहा हमारा डन है आपका भी यही आ रहा है लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है एक छोटी सी कमी है जरा उस हम कमी को डिस्कस कर ले एक छोटी सी कमी है क्या कमी है सर यहां पर कमी है कि अगर हमारी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी टैक्स पेबल दस रुपए के मल्टीपल में नहीं आता दस रुपए के मल्टीपल में नहीं आता तो हमें उसे राउंड ऑफ करना पड़ता है कैसे राउंड ऑफ करते हैं दस रुपए के मल्टीपल में दस रुपए के मल्टीपल में हम उसे राउंड ऑफ करते हैं और दस रुपए का मल्टीपल कैसे यूज करना है जैसे बचपन में सीखा था अंत में अगर पांच या उससे ज्यादा है तो फॉरवर्ड जाएंगे आगे बढ़ेंगे और लेस है लेस देन फाइव है लास्ट फिगर तो पीछे हट जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए तो टू करोड़ ट्वेंटी एट लैख फोर्टी थाउजेंड टू सिक्सटी राउंड ऑफ करके आएगा राउंड ऑफ में ही आपको आंसर देना पड़ेगा आपको आंसर राउंड ऑफ में ही देना पड़ेगा अगर एमसीक्यू टिक किया आपने और राउंड ऑफ और दोनों फिगर दिया हुआ है यानी ये दोनों दिया हुआ है तो आपको राउंड ऑफ ही टिक करना पड़ेगा ठीक है जी समझ गए अब धीरे धीरे मुश्किलें हम बढ़ाएंगे लेकिन उसके लिए हमें चाहिए उसके लिए हमें चाहिए स्पेशल इनकम पर पूरा कमांड तो वापस अब हम चलते हैं लास्ट क्लास के कंसेप्ट पर लास्ट क्लास के कंसेप्ट पर हम वापस आने जा रहे हैं हमने सबसे पहले स्पेशल इनकम पढ़ा था थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले हमने स्पेशल इनकम पढ़ा था लॉटरी इनकम मोटा मोटा नाम हम लेंगे लॉटरी इनकम लॉटरी इनकम जिसके ऊपर थर्टी परसेंट का फ्लैट फ्लैट टैक्स लगता है इसके बाद हमने पढ़ा था ब्लैक मनी ब्लैक मनी पर फ्लैट सिक्सटी परसेंट टैक्स लगता है और यहां एक नई चीज और समझ ली हमने कि सरचार्ज ट्वेंटी फाइव परसेंट कंपलसरी है अब आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा पहले आपसे पूछता हूं आप एक बार गैस कीजिएगा ब्लैक मनी पर 25 परसेंट सरचार्ज है फिक्स है फ्लैट है बताइए अगर मेरे पास सिर्फ ब्लैक मनी की इनकम दस लाख रुपए टैक्स कितना लगेगा वो हम जानते हैं सिक्सटी परसेंट मुझे बताइए सरचार्ज का रेट क्या लगाएंगे सरचार्ज का रेट क्या लगाएंगे थोड़ा जल्दी रिप्लाई कीजिएगा प्लीज पच्चीस परसेंट लगाएंगे लेकिन मेरी इनकम सिर्फ दस लाख है पचास लाख के ऊपर तो गया ही नहीं फिर भी लगेगा चलिए मैं अग्री हूं अब मुझे बताइए अगर मेरी इनकम है साठ लाख ब्लैक मनी है पूरा आपके एग्जाम्पल के लिए देखिए जबरदस्ती ब्लैक मनी पकड़ रहा हूं तो किसी किसी और को पकड़ लेते हैं मिस्टर राम की मिस्टर राम की ब्लैक मनी इनकम है साठ लाख तो अब मुझे बताइए इस पर आप सरचार्ज कितना लगाएंगे सरचार्ज कितना लगाएंगे पच्चीस परसेंट ब्लैक मनी है पूरा का पूरा तो सरचार्ज जब आपने दस लाख पे सरचार्ज पच्चीस बोला है तो इस पर भी पच्चीस ही बोलेंगे ना मुझे सिर्फ कंफ्यूजन एक जगह है कि मिस्टर महेश की छह करोड़ ब्लैक मनी है पकड़ी गई सरकार टैक्स लगा रही है और सोच रही है कि हम सरचार्ज कितना लगाए सोच रही है सरचार्ज कितना लगाएं तो यहां मुझे क्या सरचार्ज लगाना है बोली प्लीज परफेक्ट आंसर ट्वेंटी फाइव परसेंट तो आपको लालच नहीं दिखानी कि अरे भाई साहब पांच करोड़ के ऊपर चला गया थर्टी सेवन लगा देते हैं ब्लैक मनी का सरचार्ज फिक्स्ड है उसे छेड़ेंगे नहीं वेरी गुड आंसर आगे बढ़ते हैं मन में अगर आपके कुछ नए आयाम आ रहे हैं डायमेंशन आ रहा है कि सर अगर दूसरी इनकम इतनी हो और ब्लैक मनी इतना हो तो फिर कैसे वगैरह वगैरह वो सब हमारे एग्जाम्पल का ही पार्ट है वो हमें करना है वो हम करेंगे ओके इसके बाद हमने देखा था सेक्शन 111 ए और 112 ए हमने सिर्फ ये दो देखे थे सिर्फ दो सेक्शन 111 ए और 112 ए वापस से रिवाइज करते हैं हमारे पास तीन प्रकार के एसेट्स हुआ करते हैं एक लिस्टेड इक्विटी एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स और एक बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स अगर इसके शॉर्ट टर्म इनकम आती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है या इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर 12 महीने का पीरियड देखना है यहां 12 महीने का पीरियड देखना है और यहां 36 मंथ का पीरियड देखना है अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जनरेट करता है तो 111 ए में आ जाएगा 15 परसेंट टैक्स और अगर ये लॉन्ग टर्म जनरेट करता है तो 112 ए में आ जाएगा टेन टैक्स टेन परसेंट टैक्स इन एक्सेस ऑफ वन लाख मतलब आप कह सकते हैं कि इसका जैसे लोगों के प्राइवेट जेट होते हैं ना एक तो एरोप्लेन है पब्लिक के लिए सब कोई जाता है जो ज्यादा पैसे है तो आप एरो, एरोप्लेन से जाओ नहीं तो ट्रेन के स्लीपर से जाओ और कुछ लोग होते हैं जिनका प्राइवेट जेट होता है वैसे ही भाई साहब का प्राइवेट स्लैब है एक तो स्लैब आप जानते हो जनरल स्लैब है ढाई लाख और वगैरह वगैरह इनका प्राइवेट स्लैब है एक लाख तक जीरो एक लाख के ऊपर दस परसेंट तो कह सकते हो कि इनका एक प्राइवेट अपना स्लैब चलता है ठीक है अब हम देखें कि लिस्टेड इक्विटी क्या होता है वो हम जानते हैं सर लिस्टेड इक्विटी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो लिस्टेड होता है अच्छा इक्विटी ऑरिए म्यूचुअल फंड क्या होता है हाँ ये आप सर बताने वाले थे आप बताओगे तो हम जान जाएंगे इक्विटी ओरियंटेड म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं ऐसा म्यूचुअल फंड जो अपने अवेलेबल फंड का म्यूचुअल फंड तो आप जानते होंगे ना कि जो फंड पुलिंग करते हैं और निवेश करते हैं अपने इन्वेस्टर के बिहाफ पर और जो भी कमाते हैं अपना मैनेजमेंट अपना एडमिन चार्जेस अपना कमीशन काट के बाकी बांट देते हैं यूनिट होल्डर में जिनसे उन्होंने फंड लिया है एक फंड पुलिंग का सेप्ट है कि सब लोग मिलकर एक जगह फंड रखें म्यूचुअल फंड और वो इन्वेस्ट किया जाए जगह जगह पर कहां इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड अपने पैसे को सर वो तो कई जगह इन्वेस्ट करता है डाइवर्सिफिकेशन है सर इक्विटी में निवेश कर सकता है डिवेंचर में कर सकता है गोल्ड में कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर रियल स्टेट में कर सकता है वो तो कई जगह निवेश कर सकता है म्यूचुअल फंड किसी कंपनी में भी निवेश कर सकता है किसी कहीं भी निवेश कर सकता है म्यूचुअल फंड मतलब फंड को हम डाइवर्सिफाई ही करेंगे अगर म्यूचुअल फंड ने अपने पैसे का 65% परसेंट और मोर इक्विटी में निवेश किया डोमेस्टिक कंपनी जो लिस्टेड है उसमें निवेश किया तो इसे ईओएमएफ कहेंगे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहेंगे अभी जितना पढ़ा है सर वो मेरे तरफ देखिए अभी 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 इधर मत देखिए अभी अभी मुझे मुझे देखिए देखिए सर ऐसे कर लेते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं ऐसा म्यूचुअल फंड जो अपने फंड का अपने टोटल प्रोसीड का जो उसके पास आया सिक्सटी फाइव परसेंट और मोर कहा निवेश करने आ, का प्रॉमिस करता है कहां निवेश करने की स्कीम रखता है प्लान करता है लिस्टेड इक्विटी में लिस्टेड इक्विटी ऑफ डोमेस्टिक कंपनी हमारे देश की कंपनी जो लिस्टेड होती है उनमें निवेश करना चाहता है तो ऐसे फंड को हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहते हैं सेकंड ऐसा म्यूचुअल फंड दूसरा टाइप ऐसा म्यूचुअल फंड जो नाइंटी परसेंट और मोर इसी म्यूचुअल फंड में निवेश करता है म्यूचुअल फंड 90 परसेंट और मोर किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करता है और यह म्यूचुअल फंड 90 परसेंट और मोर इक्विटी लिस्टेड इक्विटी में निवेश करता है तो, तो, तो यह तो हो ही गया इक्विटी ओरिएंटेड क्योंकि सिक्सटी फाइव परसेंट और मोर निवेश कर रहा है साथ में यह भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बन जाएगा तो ऐसा म्यूचुअल फंड जो 65 परसेंट और मोर लिस्टेड इक्विटी में निवेश करे या ऐसा म्यूचुअल फंड जो 90% परसेंट और मोर म्यूचुअल फंड में निवेश करे लिस्टेड म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड 90% परसेंट और मोर लिस्टेड इक्विटी में निवेश करे तो यहां दोनों म्यूचुअल फंड जो आपको दिख रहे हैं दोनों इक्विटी ऑरियंटेड म्यूचुअल फंड माने जाएंगे डन करिए तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा ऑन डन तो बताइए अगर आपसे कोई पूछता है कि चल चल तू ने बहुत पढ़ लिया तो जल्दी बताइए कुटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं तो आप कहना इसे भी कहते हैं और इसे भी कहते हैं एक पैंसठ परसेंट वाली बात और एक नाइनटी प्लस नाइन्टी परसेंट वाली बात ठीक है तीसरे नंबर पर आता है यूलिप यूनिट यूलिप आप जानते होंगे यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान को कहते हैं इसके भी यूनिट्स होते हैं यह भी एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है लेकिन यह आपके लाइफ इंश्योरेंस की लाइफ इंश्योरेंस की ही देता है इसीलिए इस म्यूचुअल फंड को हम कहते हैं यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो व्यक्ति इसका लॉजिक पीछे दे देता हूं जो व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करना चाहता है तो दो तरह के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं एक टर्म इंश्योरेंस होता है जिसमें आपने पैसा लगाया लेकिन मरेगा कोई तभी पैसा मिलेगा दूसरा होता है रिस्क कम इन्वेस्टमेंट कवरेज इंडोमेन प्लान बोलते हैं वहां पर मरेंगे तो भी मिलेगा और मेच्योरिटी पर भी मिलेगा लेकिन उसके लिए आपको ईयरली प्रीमियम देना पड़ेगा एक फिक्सड अमाउंट प्रीमियम आप तय कर लीजिएगा वो आपको ईयरली देना है लाइफ इंश्योरेंस में जनरली तो यही इंश्योरेंस होता है जो ईयरली आप प्रीमियम पे करते हो अगर कोई ऐसा कमा रहा है ऐसा व्यक्ति कमा रहा है जिसकी एनुअल इनकम फिक्स नहीं है कभी ज्यादा कभी कम कभी नहीं होती वो चाहेगा कि मैं ऐसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूँ जिसका प्रीमियम भी मेरे हिसाब से वेरिएबल हो तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लेकर आती है ये वाले प्लान वैसे कोई भी इस प्लान को ले सकता है ये वाला प्लान इस प्लान में क्या होता है कि आप यूनिट्स परचेस करते हो और आपका लाइफ इंश्योरेंस ले लिया गया आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली सिर्फ इसकी यूनिट्स इसके यूनिट्स परचेस कर लो यूनिट्स इसके कितने परचेस करोगे आप पे जितना पैसा है अगले साल ज्यादा करना चाहते हो ज्यादा उसके अगले साल और ज्यादा और ज्यादा उसके अगले साल नहीं करना चाहते हो मत खरीदो आप जब जब पैसे आपके पास आए तब तब आप ये यूनिट शेयर की तरह है आप खरीद लो इसमें श्योरटी होती है जैसे एक यूलिप एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आपने खरीदा यूलिप और दस साल में वो मेच्योर हो गया मैच्योर हो गया आपने बेचा नहीं मेच्योर हो गया दस साल में आपने बेचा नहीं तो पूरे पीरियड में जब भी वो पीक पर होगा जो उसका रेट होगा यूनिट्स के रेट वेरी करते रहते हैं क्योंकि ये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ये भी इक्विटी में निवेश करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके फ्लैक्ट करते रहते हैं तो जो पीक रेट है उस रेट से आपको मेच्योरिटी पर यूनिट को कैलकुलेट करके आपको रिडम्पशन मिल जाएगा तो एक रिडमी होती है इसलिए लोग ये बड़ा पॉपुलर होता है यूलिप यहां भी लोग निवेश करते हैं पैसे वाले ज्यादा लोग यहां निवेश करते हैं यूलिप में लाइफ इंश्योरेंस ये म्यूचुअल फंड की तरह अब अब इसके आगे की कहानी सुनिएगा एक सेक्शन है टेन टेन डी जो कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस आप अगर लेते हो तो जो भी आपको मेच्योरिटी पर पैसा मिलेगा वो एग्जम्प्ट होगा टेन टेन डी कहता है कि जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस ये सब हमें पढ़ना है ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया एग्जम्पन चैप्टर में इसको पढ़ना है लगभग एक घंटे लगाकर और कैपिटल गेन चैप्टर में इसको सबसे प्रायोरिटी पर रखूंगा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में रखूंगा ये ये वाला जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं तो आप घबराना नहीं अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है अभी एक ब्रीफिंग है टेन टेन डी सेक्शन है जो कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस की मेच्योरिटी या डेथ पर जो पैसा मिलेगा वो एग्जाम फिर, फिर लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है इसके कुछ एक्सेप्शन है और एक एक्सेप्शन है फोर्थ प्रोविजो फिफ्थ प्रोविजो जहां पर लिखा है कि अगर आपने अगर आपने यूलिप लिया है यूलिप और प्रीमियम ईयरली ढाई लाख से ज्यादा पे कर रहे हैं आपने ऐसा यूलिप लिया है जिसका प्रीमियम आप इयरली ढाई लाख से ज्यादा निवेश कर रहे हैं पे कर रहे हैं तो ऐसे यूलिप मेच्योरिटी पर टैक्सेबल है वैसे तो सेक्शन टेन टेन डी कहता है कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो किसी भी प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो एक्सेप्ट फ्यू वो सब हम देख लेंगे मोटा मोटा आप समझना उसके मेच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा दैट विल बी टोटली एग्जेम्प्टेड ठीक है डी कहता है लेकिन इसके एक्सेप्शन है इसमें से अभी हम सिर्फ ये एक्सेप्शन डिस्कस कर रहे हैं और भी एक्सेप्शन है फोर्थ और फिफ्थ प्रोविजो जिसमें लिखा है कि अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस यूलिप है और प्रीमियम ढाई लाख से ऊपर आप दे रहे हो, तो पर टैक्सेबल हो जाएंगे ऐसे यूलिप मेच्योरिटी पर टैक्सेबल हो जाएंगे और वर्कआउट होगी हो और ऐसे यूलिप को इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की श्रेणी में रखा जाएगा इसका मतलब 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म बनेगा और लॉन्ग टर्म पे सेक्शन 112 ए

सेक्शन 112 ए में लिखा हुआ है कि जो हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड डिफाइन कर रहे हैं वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड इंक्लूड्स टैक्सेबल यूलिप, यानी टैक्सेबल यूलिप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड माना जाएगा लैंग्वेज वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा बुक में अभी एक मिनट के लिए आप रुकेंगे तो मैं लैंग्वेज दिखाई देता हूं ये देखिए सेक्शन 112 ए यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 112 ए यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसका होना चाहिए इक्विटी शेयर का इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट का और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट का कंडीशन यह है कि आपने एस पे किया हो अगर हम इक्विटी शेयर की बात करें तो पर खरीदते समय और बेचते समय लेकिन अगर इक्विटी फंड और बिजनेस ट्रस्ट की बात करें तो बेचते समय ये बात हमने लास्ट क्लास पेंडिंग रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी यह पेंडिंग रहेगा अच्छा आगे लिखा हुआ है कि अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है मतलब तो यहां के थ्रू अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो एस टी टी पे करने की जरूरत नहीं है इस कंडीशन को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है अच्छा इसके आगे ये वाला हिस्सा पेंडिंग रहेगा हमें पढ़ना है यह वाला हिस्सा पेंडिंग रहेगा यह भी हमें पढ़ना है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहते हैं मीन फंड सेट अप अंडर स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री डी और द स्कीम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी कंप्राइजिंग यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ टू विच टू विच जिस पर एग्जाम ड नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ अप्लीकेबिलिटी ऑफ फोर्थ और फिफ्थ प्रोविजो देर ऑफ तो कह रहे हैं कि जो टेन टेन डी में यूलिप बताया गया है टैक्सेबल वाला वो भी इक्विटी ओरियंटेड म्यूचुअल फंड माना जाए बस इतना बोला गया है अब इस पर टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी इसके लिए कैपिटल गेन चैप्टर में इसके लिए कैपिटल गेन चैप्टर में हम देखते हैं कि कैलकुलेशन बताया गया है कि टैक्सेबल कैसे निकालना है यूलिप को वर्कआउट कैसे करना है अब इसे यहां पर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मान लिया गया तो इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग हमें क्या लेनी पड़ेगी जब हमने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड इसे मान लिया तो इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग हमें लेनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म अगर आया तो टेन परसेंट टैक्स इन एक्सेस वन लैक मैं अपने में आओ, तो यहां पर देखिए इक्विटी और एंडेड म्यूचुअल फंड तीन प्रकार के ऐसा फंड जो 65 परसेंट और मोर निवेश करता है इक्विटी शेयर में डोमेस्टिकाइंटी परसेंट और मोर म्यूचुअल फंड में निवेश करता है वो म्यूचुअल फंड नाइन्टी परसेंट और मोर लिस्टेड इक्विटी में निवेश करें तो म्यूचुअल फंड बन जाएगा इक्विटी ओरिएंटेड और तीसरा है टैक्सेबल यूलिप ड्यू टू फोर्थ और फिफ्थ प्रोविजो ड्यू टू फोर्थ और फिफ्थ प्रोविजो ऑफ सेक्शन टेन टेन डी ठीक है यहां तक अच्छा अब बताइए कैपिटल गेन हो गए हमारे दो प्रकार के एक हो गया शॉर्ट टर्म एक हो गया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो गए दो प्रकार के एक हो गया 111 ए और एक हो गया अदर 111 ए के लिए इसे तो आप स्पेशल इनकम मानते हो और इस पर 15% परसेंट टैक्स आता है फ्लैट स्लैब से कोई मतलब नहीं लेकिन जो अदर है वो नॉर्मल इनकम माना जाएगा और इस पर अगर आप इंडिविजुअल की बात करेंगे तो स्लैब रेट अप्लाई होगा जैसे मुझे बताइए बिल्डिंग शॉर्ट टर्म है बिल्डिंग बेचकर शॉर्ट टर्म आया तो ये नॉर्मल होगा या स्पेशल होगा नॉर्मल होगा स्पेशल क्या होगा जो 111 ए में आता है बस तो 111 ए में क्या आता है 111 ए में आता है लिस्टेड इक्विटी इक्विटी म्यूचुअल फंड और, और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट सर आप बिजनेस ट्रस्ट भी बताने वाले थे बिजनेस ट्रस्ट को बताने में तो बहुत समय लगेगा ब्रीफिंग दे देता हूं मतलब वो तो हमें पढ़ना ही है ना हमारे कोर्स का पार्ट है बिजनेस ट्रस्ट बिजनेस ट्रस्ट भी फंड पुलिंग अरेंजमेंट है बिजनेस ट्रस्ट भी फंड पुलिंग अरेंजमेंट है लाइक अ म्यूचुअल फंड और यहां भी होते हैं यूनिट्स बस इस फंड पुलिंग ऑब्जेक्ट अलग है ऑब्जेक्ट क्या है सर जो रियल स्टेट है हमारे देश में रियल स्टेट सेक्टर रियल स्टेट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी उसको सपोर्ट करना है उसको फाइनेंस करना है मान लीजिए एक रियल स्टेट कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है इसका फाइनेंशियल पोजीशन कमजोर हो गया है फंडिंग कम हो गई है मॉल इन्होंने बनाना शुरू तो किया रियल एस्टेट कंपनी है मॉल बनाना शुरू तो किया लेकिन अधूरा रह गया क्योंकि उनकी दुकानें बिकी नहीं और फंड आया नहीं तो ये मॉल आगे बना नहीं पाए बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट बना नहीं पाए बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो रुका हुआ है बीच में क्योंकि इनकी फंडिंग कम हो गई है ठीक है इनके मदद के लिए जो फंड पुलिंग अरेंजमेंट किया जाता है इसे कहते हैं बिजनेस ट्रस्ट ट्रस्ट सिर्फ इसलिए है क्योंकि फंड पुलिंग हो रहा है एक जगह निवेश करने के लिए और बिजनेस इसलिए है क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग नहीं है ये प्रॉफिट मेकिंग है ये इनको टेक ओवर करने के लिए आया है एक तरीके से इनसे कहता है कि आप ये प्रोजेक्ट हमें दे दीजिए आप हमारे पीछे आ जाइए हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे ये है बिजनेस ट्रस्ट तो अभी के लिए इतना काफी रहेगा कि बिजनेस ट्रस्ट एक फंड पुलिंग है जो इसलिए होता है कि वो हमारे देश के रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपनी जिसमें अच्छा, अब आइए हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म यहां पर दो प्रकार के हो गए एक ए वाले ये स्पेशल इनकम माना जाएगा इस पर दस परसेंट टैक्स है इन एक्सेस ऑफ एक लाख रुपया और दूसरा एक सौ बारह सिर्फ एक सौ बारह सर एक सौ बारह में क्या टैक्स रेट है एक सौ बारह पे टैक्स रेट वैसे तो बीस परसेंट है एक सौ बारह में वैसे तो टैक्स रेट है बीस परसेंट लेकिन जब मैंने एक सौ बारह सेक्शन पढ़ा 112 सेक्शन जब मैंने पढ़ा तो वहां मुझे दिखा 112 का प्रोविजो 112 का प्रोविजो दिखा अगर हम मोटा मोटा यह सब नहीं डिस्कस करें या अगर ये सब नहीं डिस्कस करें तो आप ऐसा समझ लीजिए बिल्डिंग बेचकर शॉर्ट टर्म आया नॉर्मल इनकम स्लैब रेट मेरे साथ चलिएगा प्लीज यहां ध्यान रखिएगा यहां पर अब थोड़ा सा फाइनल लेवल का डिस्कशन होने जा रहा है तो अपना ध्यान भटकने मत दीजिएगा बिल्डिंग बेचकर शॉर्ट टर्म आया नॉर्मल इनकम स्लैब रेट इंडिविजुअल की बात हम कर रहे हैं इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग बेचकर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया नॉर्मल इनकम स्लैब रेट लेकिन लिस्टेड इक्विटी बेचकर शॉर्ट टर्म आया तो 111 ए स्पेशल इनकम 15 परसेंट जमीन बेचकर लॉन्ग टर्म आया यहां आ जाइए जमीन बेचकर लॉन्ग टर्म आया यहां आ जाइए बीस परसेंट ज्वेलरी बेचकर लॉन्ग टर्म आया यहां आ जाइए बीस परसेंट बिल्डिंग बेचकर लॉन्ग टर्म आया यहां आ जाइए बीस परसेंट लिस्टेड इक्विटी बेचकर लॉन्ग टर्म आया एक सौ बारह ए इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बिजनेस ट्रस्ट बेचकर लॉन्ग टर्म आया एक सौ बारह ए दोनों ही स्पेशल है स्पेशल इनकम दोनों मानी जाएंगी स्पेशल इनकम दोनों मानी जाएंगी दोनों ही स्पेशल इनकम माना जाएगा है ना और यहां टैक्स आएगा दोनों ही स्पेशल इनकम माना जाएगा लेकिन टैक्स रेट अलग अलग है एक सौ बारह एक सौ बारह अब मैं आपको बताऊं कि एक सौ बारह पढ़ रहा था एक सौ बारह जब मैं पढ़ रहा था इंटरप्रिटेशन बुक में जब मैं एक सौ बारह पढ़ रहा था तो वहां मुझे बहुत कुछ मिला वो सब हम डिस्कस करेंगे लेकिन अभी सब नहीं डिस्कस कर रहे समय आने पर करेंगे फिलहाल हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं एक 112 में लिखा है जो कैपिटल गेन चैप्टर में आता हो उनका टैक्स रेट क्या होगा इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की चर्चा की लेकिन 112 ए में तीन एसेट को बेचकर लॉन्ग टर्म आ रहा है तो उसको हटा दीजिए बाकी सबकी चर्चा यहां हो गई पहले नंबर पर लिखा है कि अगर एसएससी इंडिविजुअल एच है अगर एसएससी इंडिविजुअल है है और वो रेजिडेंट तो बीस परसेंट टैक्स है ये रहेगा। ये पेंडिंग पेंडिंग रहेगा रहेगा तो तो इसको हम बाद में देखेंगे हाँ जी इंडिविजुअल तो एच है तो बीस परसेंट टैक्स रहेगा बट रेजिडेंट होने पर आगे बढ़ते हैं अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी एलटीसीजी कमा रहा है तो ट्वेंटी परसेंट टैक्स रहेगा दोनों में तो सेम ही लिखा है पता नहीं अलग अलग क्यों लिखा है अगर कोई नॉन रेजिडेंट है चाहे वो कंपनी नहीं हो या विदेशी कंपनी हो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है चाहे वो कंपनी नहीं हो या विदेशी कंपनी हो तो टैक्स रेट लॉन्ग टर्म पर होगा दस परसेंट जो अनलिस्टेड सिक्योरिटी पर है अनलिस्टेड शेयर पर है पढ़िएगा फिर से इनकम टैक्स एट द रेट टेन परसेंट ऑन एल टी सी जी अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बींग ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अनलिस्टेड सिक्योरिटी और शेयर ऑफ कंपनी नॉट बींग कंपनी इन पब्लिक विच आर सब्सटैंशियल इंटरेस्टेड यानी प्राइवेट कंपनी विदाउट यानी दस परसेंट टैक्स तो हम दे रहे हैं लेकिन आगे सुनिए रेट तो कम कर दिया हमने अभी तक 20 20 चल रहा था और अचानक हमने 10 कर दिया लेकिन ये 10 किसके लिए किया हमने 10 किया नॉन रेजिडेंट के लिए हमने 10 किया फॉरेन कंपनी के लिए लेकिन ये 10 परसेंट किसके लिए किया अनलिस्टेड सिक्योरिटी के लिए अनलिस्टेड शेयर के लिए अनलिस्टेड सिक्योरिटी के लिए और इसमें सरकार ने कहा कि हम इस पर आपको इंडेक्सेशन नहीं देंगे इसका मतलब लॉन्ग टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं ये तो आप जान रहे हो ना अचानक नहीं समझना कि अरे लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म ये कब हुआ सर लॉन्ग टर्म ही तो डिस्कस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन होता है यहां लिखा हुआ है कि हम ये दस परसेंट तो देंगे लेकिन इंडेक्सेशन आपसे छीन लेंगे यहां लिखा हुआ है विदाउट टेकिंग बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड इंडेक्सेशन एंड बेनिफिट ऑफ फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन फोर्टी एट अब ये फर्स्ट प्रोविजो क्या है 48 का ये हम समय आने पर समझेंगे बट अभी आपके लिए समझिए इंडेक्सेशन बेनिफिट हम डिनाई कर देंगे छीन लेंगे दूसरा लॉन्ग टर्म आ रहा है तो बीस परसेंट तो अचानक अभी हम सीख रहे थे कि लॉन्ग टर्म पर बीस परसेंट है इंडिविजुअल एच है, है तो बट रेजिडेंट होना चाहिए अगर एक कंपनी है तो लॉन्ग टर्म पर बीस टैक्स है लेकिन अगर एक नॉन रेजिडेंट है या विदेशी कंपनी है अनलिस्टेड उनके लिए दो कहानी बन गई अनलिस्टेड इक्विटी अनलिस्टेड सिक्योरिटी अनलिस्टेड शेयर पर दस परसेंट विदाउट इंडेक्सेशन और दूसरे जो लॉन्ग टर्म आ रहे हैं इसके उस पर याद कैसे रहेगा इसकी चिंता नहीं करनी समझे कि नहीं समझे इसकी चिंता करनी है याद हम करवाएंगे ना तभी तो डायनेमिक बुक क्यों बनाए इसीलिए बनाए ये बुक है आपका इंटरप्रिटेशन बुक यह बुक है आपके मतलब लॉ का एज इट इज कॉपी सर नीचे ना प्रोवाइडेड दैट लिखा हुआ है हाँ तो प्रोवाइडेड दैट पढ़ते हैं ना लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट वेयर द टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बींग लिस्टेड सिक्योरिटी यूनिट को छोड़कर आप मुझे बताइए लिस्टेड सिक्योरिटी में आप मुझे बताएंगे यूनिट को छोड़कर लिस्टेड सिक्योरिटी सिक्योरिटी मतलब शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड होते हैं शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड होते हैं ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड छोड़कर तो क्या बचा शेयर डिबेंचर और बॉन्ड्स हाँ तो बोल दीजिए एटलीस्ट कॉम्प्लिकेटेड इंटरप्रटेशन सीख रहे हैं हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरप्रटेशन है अंत में क्रक्स बहुत सिंपल रहेगा चिंता मत कीजिएगा क्रक्स बहुत ईजी रहेगा ठीक है तो क्या लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट वे आर टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बींग लिस्टेड सिक्योरिटी बींग लिस्टेड सिक्योरिटी बोलिए समझ आ रहा है बोलिए ना कुछ तो बोलिए आ रहा है लिस्टेड हां लिस्टेड सिक्योरिटी यूनिट को छोड़कर तो इसका मतलब कौन से किसकी बात हो रही है शेयर डिबेंचर बॉन्ड की बात हो रही है और जीरो कूपन बॉन्ड अरे बॉन्ड हमने ले लिया जीरो कूपन हो या ना हो ले लिया एक्सीड टेन परसेंट ऑफ द कैपिटल गेन बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन देन एक्सेस शेल बी इग्नोर फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स पेबल अब तो सर नहीं होगा ऊपर से गया ऊपर से गया तो तुम्हें तो सीखना था इंटरप्रिटेशन मुझे तो बोलो तो मैं एक मिनट में इसका क्रक्स निचोड़ के हाथ में दे दूं कि भैया ये है क्रक्स इंटरप्रिटेशन सीखना है ना तो थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी ये कह रहा है कि अगर टैक्स लिस्टेड शेयर डिवेंचर बॉन्ड पर बिना इंडेक्सेशन लिए दस परसेंट से ज्यादा आ रहा है यह कह रहा है कि लिस्टेड शेयर डिबेंचर और बॉन्ड इस पर बिना इंडेक्सेशन के बिना इंडेक्सेशन लिए जो टेन परसेंट टैक्स आए अगर 20% परसेंट का टैक्स इंडेक्सेशन के साथ जो 20% परसेंट टैक्स निकाला वो बिना इंडेक्सेशन के 10% परसेंट के टैक्स से ज्यादा है तो फिर ये 10% परसेंट वाला टैक्स ही अप्लाई होगा और आपको मैं बताऊं कि आज की डेट में लिस्टेड शेयर पे इंडेक्सेशन होता ही नहीं क्योंकि वो 112 ए में चला गया है अभी अभी देखा है अपने तो ये लाइन तो काटना ही पड़ेगा बचा क्या इसमें लिस्टेड डिबेंचर लिस्टेड बॉन्ड आपको बता दूं कि बॉन्ड और डिबेंचर लिस्टेड हो कि नॉन लिस्टेड इंडेक्सेशन मिलता ही नहीं उसे कैपिटल गेन में साफ लिखा हुआ है सेक्शन 48 के प्रोविजो में सेक्शन 48 के प्रोविजो में साफ लिखा हुआ है कि डिबेंचर बॉन्ड लिस्टेड हो नॉन लिस्टेड हो इंडेक्सेशन मिलता ही नहीं है इंडेक्सेशन कर ही नहीं सकते तो बताइए जब मैं इंडेक्सेशन कर ही नहीं सकता तो मैं इंडेक्सेशन तो कर नहीं पाऊंगा इंडेक्सेशन के साथ बेकार हो गया पॉइंट तो अब 20 परसेंट टैक्स दूं या 10 परसेंट टैक्स दूं सरकार कहती है जो आपके लिए फायदेमंद हो तो मैं तो दस ही परसेंट टैक्स दूंगा इस निचोड़ का सिर्फ इतना निष्कर्ष है कि डिबेंचर बॉन्ड पर भैया दस परसेंट टैक्स लेना है इंडेक्सेशन तो मिलता ही नहीं डिबेंचर बॉन्ड पे दस परसेंट टैक्स लेना है लेकिन डिबेंचर बॉन्ड लिस्टेड होगा तो अगर लिस्टेड नहीं है तो फिर ये प्रोविजो अप्लाई नहीं होगा फिर तो 20 परसेंट टैक्स आएगा और इंडेक्सेशन भी नहीं मिलेगा फिर तो 20 परसेंट टैक्स आएगा और इंडेक्सेशन भी नहीं मिलेगा हाँ एक ऐसा बॉन्ड है जो लिस्टेड अनलिस्टेड मायने नहीं रखता दैट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड आपने सुना होगा जीरो कूपन बॉन्ड जिस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता इंटरेस्ट रेट जीरो होता है और इसका पूरा डिटेल पीजीबीपी चैप्टर में है पढ़ना हम लोगों को

यहां पर कंट्रोल कीजिए शॉर्ट टर्म में 111 ए वाला है तो 15 परसेंट दूसरा है तो ये एनआई मतलब नॉर्मल इनकम है नॉर्मल इनकम तो सर आगे आप स्लैब क्यों नहीं लिख रहे क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल के लिए थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं। एक कंपनी है तो नॉर्मल इनकम पर जो भी टैक्स बनेगा वो टैक्स निकालना लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म में एक तो हमने कर दिया पहले अलग एक सौ बारह ए अलग कर दिया उसके बाद अलग किया एनआर और विदेशी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर टेन परसेंट लॉन्ग टर्म पे और इसके बाद हमने कर दिया एल दूसरे एसेट्स पर बीस परसेंट सिर्फ इतना रटना है दूसरे एसेट्स पर दूसरे एसेट्स पर अब यहां पर मैंने क्या लिखा जो बीस परसेंट वाला है उसमें अगर जीरो कूपन बॉन्ड है जो बीस परसेंट वाला है उसमें अगर जीरो कूपन बॉन्ड है और लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं यूनिट को छोड़कर तो बिना इंडेक्सेशन के दस परसेंट टैक्स लगेगा इंडेक्सेशन नहीं मिलता और आपको मैं बता दूं यहां पर ये जो दस परसेंट टैक्स है इसमें भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता ये जो एक सौ बारह ए है यहां भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता तो एक सौ बारह ए में इंडेक्सेशन नहीं मिलता नॉन रेजिडेंट के अनलिस्टेड इक्विटी में इंडेक्सेशन नहीं मिलता डिबेंचर बॉन्ड्स पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता अब टैक्स रेट बताइए अगर मैं ज्वेलरी बेचकर लॉन्ग टर्म कमा रहा हूं ज्वेलरीसेंट डिबेंचर बॉन्ड बेचकर अगर डिबेंचर बॉन्ड बेचकर मैं कमा रहा हूं तो बीस परसेंट या दस परसेंट लिस्टेड है तो दस परसेंट नॉन लिस्टेड है तो बीस परसेंट अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं लिस्टेड शेयर बेच रहा हूं तो एक सौ बारह ए एक सौ बारह ए तो नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट सबके लिए है दस परसेंट अदरवाइज अनलिस्टेड अगर मैं बेच रहा हूं तो दस परसेंट विदाउट इंडेक्सेशन तो सर दोनों ही दस हो गया ना नहीं 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 एक के दस में एक लाख की छूट भी तो है ठीक है इसको ऐसे समझिए कि एल अगर है तो पहले आप अलग कर दीजिए 112 ए वाला इसके बाद अलग कर दीजिए एनआर अनलिस्टेड इक्विटी इसके बाद अलग कर दीजिए लिस्टेड डिबेंचर लिस्टेड बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड इसके बाद अलग कर दीजिए अदर एसेट्स यहां आ जाइए दस परसेंट यहां आ जाइए दस परसेंट यहां आ जाइए दस परसेंट इन दी, तीनों दस परसेंट में नो इंडेक्सेशन ये कॉपी में कॉपी कर लीजिएगा थोड़ा और इजी बन जाएगा अब आते हैं अदर एसेट्स अदर एसेट्स पर बीस परसेंट इसे कॉपी कर लीजिएगा याद रखिएगा यहां जो 112 ए है उसका 10 परसेंट है इन एक्सेस ऑफ वन लैख ये कॉपी कीजिए हो गया हो कॉपी तो बताइए ये कॉपी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में जैसे ही कुछ आएगा देखिए शुरुआत में तो एकदम से आपका कमांड नहीं बनेगा क्वेश्चन सामने रखिएगा और इस चार्ट से पकड़िएगा कि ये यह आ एक सौ बारह ये आपको पता है एन आर अनलिस्टेड इक्विटी पता हो गया लिस्टेड डिबेंचर लिस्टेड बॉन्ड और जीरो कोपन बॉन्ड आपको पता हो गया हम एनआर टैक्सेशन में इसे अलग से नहीं देखेंगे ये तो हम देखते चल रहे हैं साथ साथ देखते चल रहे हैं अभी से कमांड बना बनाकर चलेंगे कॉपी कर लें तो प्लीज़ बताइए छोटा सा पार्ट था टाइम तो क्यों लग रहा है मेंशन कीजिए जल्दी Oke, okay, jale. Kan? अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन नंबर छह तक हमने कर लिया था सातवां क्वेश्चन है मिस्टर अबीर थर्टी सिक्स ईयर ओल्ड रेजिडेंट अगर हम नॉर्मल इनकम की बात करेंगे अगर हम नॉर्मल इनकम की बात करेंगे अगर हम नॉर्मल इनकम की बात करेंगे तो स्लैब रेट के पर्पज से हमारा एमएल क्या होगा ढाई लाख बताइए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है अबीर की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है क्या ये नॉर्मल इनकम है यस पीजी बीपी की इनकम कौन सी इनकम होगी नॉर्मल इनकम अच्छा बताइए बिल्डिंग के ऊपर है ये नॉर्मल है या स्पेशल सर ये लॉन्ग टर्म तो स्पेशल ही होता है हमेशा टैक्स रेट आपके पास जो अभी चार्ट आपने डिजाइन किया ड्रॉ किया वहां से देखकर बताइए तो इसका टैक्स रेट ट्वेंटी परसेंट आएगा है ना उसके बाद बताइए लिस्टेड इक्विटी पर है यह भी बन गया स्पेशल इनकम ये तो कहिए एक ए वाला है इस पर तो दस टैक्स आ जाएगा और अदर सोर्सेस की इनकम अदर सोर्स की इनकम को हम क्या बोलेंगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो नॉर्मल इनकम इसके बाद हमारा सी टू एटीसी का डिडक्शन है अस्सी हजार हमें प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए वो मेंशन है यहां पर नीचे प्रेजेंटेशन दिया हुआ है अभी हम क्वेश्चन पर ध्यान कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा सबसे पहले हमारा काम टैक्स निकालना नहीं है पता चला आपने टैक्स निकालना शुरू कर दिया बीस परसेंट दस परसेंट ऐसा मत कीजिएगा सबसे पहले हमें लेना है जी टी आई ग्रॉस टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम में कोई भेदभाव नहीं होता सारी इनकम जोड़ दी जाती है सारी इनकम जोड़ दी जाती है तो ग्रॉस टोटल इनकम अगर हम निकालें तो चार लाख पचास हजार प्लस एटीन नाइनटी थाउजेंड प्लस ट्वेल्व लैख प्लस टू लैख नाइनटी थाउजेंड प्लस वन लैख थर्टी नाइन थर्टी नाइन थर्टी आगे बढ़कर आंसर कीजिएगा थर्टी नाइन थर्टी थर्टी नाइन थर्टी अच्छा एक डाउट आ गया था मैंने देखा नहीं डाउट है सर अगर अनलिस्टेड डिबेंचर और बॉन्ड है तो अदर एसेट में आएगा क्या बात है थर्टी नाइन थर्टी थर्टी नाइन थर्टी आ गया हमारा जी टी आई इसके बाद हम डिडक्शन देंगे अच्छा यहां पर एक बच्चा ये सोच सकता है वैसे आप में से किसी ने ऐसा नहीं सोचा लेकिन एक बच्चा ये सोच सकता है कि सर इस इनकम में तो एक लाख की छूट थी ना सर 112 ए वाली जो इनकम है दो नब्बे उसमें तो एक लाख की छूट है ना बेटा वो छूट है लेकिन वो छूट टैक्स निकालते समय जीटीआई का पार्ट नहीं बनेगा ऐसा थोड़ी होगा जीटीआई का पार्ट बनेगा वो तो आपने आप में से किसी ने ऐसा नहीं सोचा कोई अगर सोचे तो उसके लिए मैंने आंसर किया डिडक्शन अस्सी हजार रुपए माइनस कर देते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम इसके आगे प्लीज मत बढ़िएगा इस बार आगे मत बढ़िएगा मुझे बढ़ने दीजिए मुझे भी कभी मौका मिले ये आई आ गया जब भी टीटीआई आ जाए तो आप इसे पैक कर दिया करें हमेशा बंद नीचे से सील पैक टीटीआई टीटीआई सील पैक करने के बाद आपका सबसे पहला काम होगा कि इस टीटीआई में से स्पेशल इनकम को आइडेंटिफाई करना स्लो हो गया हाँ क्योंकि आपको यहां स्लो होना है चाहे आज या आखिरी लेक्चर में यहां पर स्लो हो जाना है टीटीआई आ गया अब पहले हम स्पेशल इनकम कितनी है उसे आइडेंटिफाई करेंगे स्पेशल इनकम सर ये वाला है ये वाला है सर दो ही स्पेशल इनकम है अच्छा कितना है सर बारह लाख का बीस परसेंट अरे टैक्स नहीं पूछ रहा हूं स्पेशल इनकम पूछ रहा हूं तुम तो टैक्स निकालने लग गए भाई दो कदम आगे बढ़ने लग गए ऐसे नहीं करना अच्छा सर तो फिर बारह लाख और दो लाख नब्बे हजार फोर्टीन लाख नाइनटी थाउजेंड अच्छा तो स्पेशल इनकम बन गया हमारा फोर्टीन लैख सर आप एक साथ मत लिखो अलग अलग टैक्स रेट है होगा मैं अभी इनकम की बात कर रहा हूं स्पेशल इनकम फोर्टीन लैख नाइनटी थाउजेंड अब इसमें से नॉर्मल इनकम हमें ड्रैक करना है ड्रैक करना है नॉर्मल इनकम खींचना है थर्टी एट लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस स्पेशल इनकम इक्वल्स टू नॉर्मल इनकम दैट इज my नॉर्मल इनकम 23 lakh 23 lakh 60000 लैख सिक्सेंड इज माई नॉर्मल इनकम सबसे पहले यहां कसम खानी है हाथ लगाइए स्क्रीन को तो मैं भी लगा रहा हूं तो हाथ से हाथ हमारा टच हो गया और कसम खाइए कि इसके बाद आप पहले हमेशा नॉर्मल इनकम पर टैक्स निकालेंगे मन करेगा कि स्पेशल इनकम पर टैक्स पहले निकाल दें क्वाइट इजी ये बहुत आसान मेथड होगा कि आप स्पेशल इनकम चौदह लाख नब्बे हजार है उसमें से आपने बारह लाख रुपए पर अलग टैक्स निकाल दिया दो नब्बे पर अलग निकाल दिया ये आसान लगेगा लेकिन कसम खाना है हाथ कि सर कुछ भी हो जाए हम कसम खाते हैं कि इसके बाद जो टैक्स निकालने की जब बारी आएगी तो सर्वप्रथम हमें नॉर्मल इनकम को इज्जत देनी है नॉर्मल इनकम की प्रायोरिटी देनी है नॉर्मल इनकम पर टैक्स पहले निकालना है, है यही तो करते रहे तो आप नहीं फसेंगे आपको मैं बचा लूंगा आपको मैं बचा लूंगा तो नॉर्मल इनकम सर्वप्रथम बिल्कुल सही आंसर सबसे पहले नॉर्मल इनकम मुझे लगा मैं ही हिंदी ज्यादा बोलता हूं चलो नॉर्मल इनकम सबसे पहले तो नॉर्मल इनकम पर हमें टैक्स निकालना है तो बताइए मुझे स्लैब लगाना पड़ेगा और यहां पर अबीर साहब का हमने एम्यूल ढाई लाख ले लिया था तो फटाफट से इस पर तो आप माहिर हो मुझसे जल्दी आप निकाल लेते हो ढाई लाख तक नील देखिए कौन निकालता है पहले पांच लाख पर बारह पाँच पांच लाख से दस लाख पर एक लाख और दस लाख से तेईस साठ पर तीस परसेंट, तेरह लाख साठ हजार का तीस परसेंट फोर जीरो एट ट्रिपल जीरो और ये बन गया हमारा प्लस एक बारह पांच सौ पांच बीस पांच सौ निकाल लिया मैंने पांच बीस पांच सौ बताइए ये क्या है पांच बीस पांच सौ ये है टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम ये नॉर्मल इनकम पर टैक्स है प्रेजेंटेशन सर ऐसी देना है क्या नहीं नहीं प्रेजेंटेशन के लिए तो ये ये लंबा चौड़ा यहाँ पर भाषण मैंने दे रखा है ये आपको दो मिनट क्लास के बाद घर पे ये से एक बारी नजर मारिएगा ये अच्छा अच्छा ऐसे प्रेजेंट करना है ना प्रेजेंटेशन आपको दो मिनट में समझ आ जाएगा बहुत टफ पार्ट नहीं है नॉर्मल इनकम पर टैक्स आ गया पांच बीस पांच क्या आप सब मुझसे सहमत हैं है। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल इनकम पर हमने कसम खाई थी पहले नॉर्मल पे टैक्स निकालने का हमने कसम पूरा किया अब स्पेशल इनकम सर स्पेशल इनकम में तो सर अलग अलग है ना सर एक तो सर बारह लाख है और एक है दो नब्बे हाँ तो अलग कर रहा हूं ना सर दो नब्बे सर एक इस सेक्शन में कवर्ड है अच्छा तो दो नब्बे अगर इस सेक्शन में कवर्ड है तो बताइए टैक्स कितना बनेगा सर टैक्स बनेगा दस ऑफ एक दो नब्बे है तो एक नब्बे कैसे सर एक लाख की छूट यहीं तो देनी है टैक्स निकालते समय इनका प्राइवेट जेट है प्राइवेट जेट से जाते हैं ये तो इनका अपना स्लैब है भैया एक लाख तक घटाओ और बचा दस परसेंट तो उन्नीस हजार का टैक्स बन गया साहब दो लाख नब्बे हजार पर उन्नीस हजार रुपये का टैक्स बना और बारह लाख पे सर बारह लाख क्या था बिल्डिंग पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओ सर हम अपना चार्ट निकाले जो अभी हमने चार्ट बनाया था बढ़िया से मचार, म, मसाला मिर्ची मिलाकर जो चार्ट बनाया था वो निकालिए और देखिए वो कहाँ जा रहा है सर वो जा रहा है बीस परसेंट पर टैक्स हम्म तो बीस परसेंट इसका निकाल दीजिए दो चालीस अब मुझे बताइए मैं जब बेसिक टैक्स पकड़ूंगा तो क्या मुझे ये तीनों जोड़ देना चाहिए जब मैं बेसिक टैक्स पकड़ूंगा तो क्या मुझे ये तीनों जोड़ देना चाहिए जी सर दो चालीस प्लस उन्नीस हजार प्लस फाइव लैख ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवन लैख सेवेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज द बेसिक टैक्स अब बताइए क्या क्या सर चार्ज आएगा सर तो सर चार्ज तुम तो भूल गए भूल गए तो याद कीजिए सर सरचार्ज में था कि टोटल टैक्सेबल इनकम पचास लाख से ऊपर है तो दस अच्छा पचास लाख से ऊपर है सर यहाँ टीटीआई कितना है टीटीआई है ओह सर यहाँ तो पचास लाख से कम है टीटीआई सरचार्ज नहीं आएगा सर तो चलो आगे बढ़े सरचार्ज नहीं आएगा तो क्या करना है बस चार परसेंट हेल्थ एजुकेशन से जोड़ना है चार परसेंट हेल्थ एजुकेशन से जोड़ना है और उत्तर सामने है आपके लाख सौ अस्सी बहुत बढ़िया सातवां प्रश्न आपने कर लिया आपके होमवर्क में रहेगा सातवें प्रश्न का प्रेजेंटेशन क्या होमवर्क भी दे रहे हो सर नहीं क्या होमवर्क है फिर भी सातवें प्रश्न का प्रेजेंटेशन आठवां प्रश्न फटाफट आइए आठवें प्रश्न पर समय नहीं है सांस नहीं लेंगे क्योंकि हमने क्या सोचा था कि मतलब सांस लेते रहिएगा हमने क्या सोचा था कि डेढ़ घंटे की क्लास पकड़नी है हमें डायनेमिक बैच तैयार करना है यानी इस बिजी शेड्यूल में जो हम बहुत कम समय निकाल पाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं हमें वो स्किप नहीं करना है अपना अटैम्प्ट क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि दस बच्चों ने फॉर्म भरा तो चार से पांच बच्चे तक अटैम्प्ट स्किप कर देते हैं। फिर जाते ही एग्जाम देने छह बच्चे बेमन से उसमें चार बच्चे बेमन से जाते हैं तो दो ही बच्चा मन से जाता है एक बच्चा पास होता है यही तो रेशियो है हमारा दस में एक हमें दस में दस करने के लिए अपने कम समय में इफेक्टिव वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी हम्म समय बचाते हुए इफेक्टिव वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी तो इफेक्टिव वे में ऐसे ही पढ़ाई होगा जल्दी से आइए आठवें नंबर क्वेश्चन पे इधर उधर की बातें तो हम नहीं कर पाएंगे कभी वैसे ही अलग से एक क्लास लगा लेंगे फालतू बात करने की मिस्टर कपिल जो छत्तीस साल के हैं अरे कहां चले जाते हो भाई छत्तीस साल के हैं और रेजिडेंट है अच्छा साहब तो अगर मैं नॉर्मल इनकम पे स्लैब लगाता हूं पहले से सोच लेकर चल रहा हूं मैं अगर नॉर्मल इनकम पर स्लैब लगाता हूं तो मेरा एम ई e. एल बनेगा दो लाख पचास हजार अगर लगाता हूं तब की तब चलिए जल्दी से हमें यहां पर अपने पेंसिल से आइडेंटिफाई एग्जाम में कर लीजिएगा चाहिएगा तो चाहे तो यहां मेरे साथ कीजिए पीजीबीपी कौन सी इनकम है सर नॉर्मल इनकम बिल्डिंग पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सर बिल्डिंग पर शॉर्ट टर्म बिल्डिंग पर शॉर्ट टर्म बिल्डिंग पर शॉर्ट टर्म सर शॉर्ट टर्म तो दो प्रकार के होते थे ना 111 ए वाला और अदर अदर तो सर नॉर्मल इनकम होता था तो नॉर्मल इनकम ब्लैक मनी आ गया सर मार देंगे इसे पकड़ पकड़ के मारेंगे ब्लैक मनी को मजा आ गया सर ब्लैक मनी का ऐसी तैसी कर देंगे ब्लैक मनी को सर ब्लैक मनी स्पेशल इनकम है मजा आएगा सर इस बार मिला है पहली बार छोड़ेंगे नहीं तो ब्लैक मनी स्पेशल इनकम है चलिए साहब हो गया स्पेशल इनकम इत, इतनी बेजती है बेचारे की, की? मात्र एक लाख रुपए कोई बात नहीं जो भी है उसके बाद है हमारे पास डिडक्शन तो सबसे पहले हम लोग साथ साथ में करेंगे आई बताइए याद रहे जीटीआई भेदभाव नहीं करता सभी इनकम को जोड़ेगा जीटीआई भेदभाव नहीं करता सभी इनकम को जोड़ेगा तो जीटीआई बताइए तो 20 लाख नब्बे हजार प्लस 12 लाख प्लस 1 लाख तो जी टी आई बना हमारा थर्टी थ्री नाइनटी इसमें से हमें डिडक्शन देना है डिडक्शन नाइनटी थाउजेंड का देना है तो हमारा टी टी आई बना टी टी आई टी टी आई बना थर्टी थ्री लैख टी टी आई थर्टी थ्री लैख अग्री सबसे पहले यहां पर क्या सीखा था हमने हम अपने हैबिट डेवलप करेंगे हम अपना एक प्रोसेस डेवलप करेंगे कि हम हमेशा यही करेंगे सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि सर यहां से हमें स्पेशल इनकम पता लगानी है तो पता लगाइए स्पेशल इनकम सर इस बार हमारे क्वेश्चन में एक ही स्पेशल इनकम है एक लाख तो जो भी है बेचारे को सामने रखिए और नॉर्मल इनकम ड्रैक करना है कैसे नॉर्मल इनकम यहां से जो स्पेशल हटा दें तो नॉर्मल बचेगा नॉर्मल को आप यहां से मत ढूंढना स्पेशल को आप क्वेश्चन से ढूंढना नॉर्मल को क्वेश्चन से मत ढूंढना नॉर्मल हमेशा ड्रैक होगा नॉर्मल हमेशा बचा हुआ रहेगा टी टी आई माइनस स्पेशल बराबर नॉर्मल ऑलवेज फॉर्मूला लगाना है टी टी आई माइनस स्पेशल बराबर नॉर्मल तो नॉर्मल बना सर बत्तीस लाख वेरी गुड आप बताइए जो कसम खाया था पूरा कीजिए निभाइए उस कसम को सर निभा रहे हैं स्लैब लगाएंगे पहले हम नॉर्मल इनकम को सर्वप्रथम हम इज्जत देंगे तो सर अप टू दो लाख पचास हजार जीरो दो लाख पचास हजार से पांच लाख बारह पांच सौ पांच लाख से दस लाख एक लाख रुपए दस लाख से बत्तीस लाख बाईस लाख पर तीस परसेंट छह लाख साठ हजार प्लस सात हो ही गलत बोल गया छह लाख साठ हजार प्लस एक लाख बारह हजार पांच सौ सात लाख बहत्तर हजार पांच क्या है ये सर ये है ये है ये है, है बोलिए क्या है सर ये है टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम वेरी गुड बोलते रहना है ये टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम लीजिए हमसे ज्यादा होशियार आप निकले बहुत बढ़िया आइए स्पेशल निकाल लीजिए अपने दिल की भड़ास खुश तो बहुत होंगे आप आज मिल गया आपको ब्लैक मनी मारने के लिए लगाइए मारिए मारिए इसे साठ हजार सर साठ हजार और सर रुक जाइए सर हम इस पर सर चार्ज भी लगाएंगे अरे भैया लगा देना अभी मत लगाओ अभी रुको बेचारा पिटा है जरा सांस तो लेने दो इसे साठ हजार रुपए ये बेसिक टैक्स की बात हो रही है मेरे मित्र बेसिक टैक्स की अगर आप इस पे सरचार्ज हाथों हाथ हांत लगा देंगे तो प्रेजेंटेशन गड़बड़ा जाएगा सब खराब हो जाएगा तो कृपा करें अभी बेचारे पर अभी बेसिक टैक्स आपने साठ परसेंट लगा दिया जरा शांत रहिए बताइए मुझे बेसिक टैक्स कितना हुआ अगर मैं बेसिक टैक्स बोलूं बेसिक टैक्स हमारा कितना हुआ क्या ये आठ लाख बत्तीस हजार पांच सौ हुआ यस सर अब हम इस पर सरचार्ज लगाने वाले हैं बताइए सरचार्ज नॉर्मली आएगा कि नहीं सामान्य केस में सरचार्ज नहीं आएगा सामान्य केस में सरचार्ज नहीं आएगा सामान्य केस में सरचार्ज नहीं आएगा क्योंकि हमारी टीटीआई पचास लाख के ऊपर नहीं है टीटीआई हमारी पचास लाख के ऊपर नहीं है तो सामान्य केस में सरचार्ज नहीं आएगा रुक जाओ हरबड़ाओ नहीं हरबड़ाओ नहीं बेटा हरबड़ाओ नहीं सामान्य केस में क्योंकि ये क्वेश्चन तो तुमने बहुत अच्छा कर लिया पंद्रह हजार सरचार्ज फटाफट फड़ कर लिया बहुत अच्छी बात है आगे फंसोगे आगे फंसोगे तो बचाएगा कौन यही भाषा जो मैं अभी बोल रहा हूं सामान्य केस में सरचार्ज नहीं आएगा सामान्य केस में सरचार्ज नहीं आएगा क्योंकि टी, -टी पचास लाख के ऊपर नहीं है लेकिन ब्लैक मनी होने के वजह से ब्लैक मनी के बेसिक टैक्स पर सरचार्ज आएगा तो सरचार्ज इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ बेसिक टैक्स ऑन ब्लैक मनी याद रखिए इस लाइन को पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम में तभी अपने दिमाग में भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा 25 परसेंट किसका ब्लैक मनी के बेसिक टैक्स पर 25 परसेंट तो ब्लैक मनी का बेसिक टैक्स है साठ हजार पच्चीस परसेंट बना पंद्रह हजार पंद्रह हजार सरचार्ज जोड़ दीजिए अब आपके पास आ गया पंद्रह हजार प्लस आठ बत्तीस और चार परसेंट आप इस पर जोड़ दीजिए हेल्थ एजुकेशन सेस आंसर आ गया एट एट वन फोर डबल जीरो एट एट वन फोर डबल जीरो ठीक है ठीक है देखिए आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं एक क्वेश्चन और आपको प्रॉमिस निभाना है क्वेश्चन नंबर नाइन बिना आंसर देखे करना है ये होमवर्क में में रहेगा नेक्स्ट क्लास हम मंडे को सबसे पहली शुरुआत यही करेंगे कि क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ठीक है आपको एक क्वेश्चन सिर्फ होमवर्क में दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर नाइन जिसमें ब्लैक मनी है और जो मैं अभी बोल रहा था ना वो आप देखते हैं आप सीख पाओगे कि नहीं ठीक है तो मंडे मिलते हैं हमारा टैक्स रेट की आखिरी क्लास होगी जिसमें हमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पढ़ना है जैसे मार्जिनल uh, रिलीफ पढ़ना है जैसे हमें पढ़ना है कि जो एम ई एल एम ई एल बार बार हम बोलते हैं क्या उसमें स्पेशल इनकम को भी यूज़ किया जाएगा क्या स्पेशल इनकम के ऊपर भी एम ई एल के चांसेस हैं जो मैं इंटरप्रटेशन सिखा रहा था और जब मैं इंटरप्रटेशन को बार बार कह रहा था कि ये हिस्सा पेंडिंग रहेगा ये हिस्सा पेंडिंग रहेगा इस पेंडिंग पार्ट को ही हमें कवर करना है तो अगली क्लास में हम टैक्स रेट उम्मीद करते हैं मतलब हमारा टारगेट तो यही है कि टैक्स रेट हम कंप्लीट कर दें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गुड बाय टेक केयर